इमिग्रेशन से न्यू अपडेट है प्रोसेसिंग टाइम्स के रिगार्डिंग जो वीकली अपडेट हुआ है। तो इस पे है विजिटर वीज़ा, केयरगिवर वीज़ा, स्टडी परमिट, वर्क परमिट, स्पाउस ओपन वर्क परमिट और पीआर की जो फाइल्स है डिफरेंट प्रोग्राम्स की, जैसे प्रोविंसी नॉमिनेट प्रोग्राम पीएमबी, एक्सप्रेस एंट्री, कनाडा एक्सपीरियंस क्लास का क्या प्रोसेसिंग टाइम इस वीक अपडेट हुआ है वो हम चेक करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करते हैं टेम्परेरी रेजिडेंट में, ये आप देख सकते हैं टेम्परेरी रेजिडेंट में विजिटर आउटसाइड कनाडा और इंडिया से फाइल लग रही है, कितना प्रोसेसिंग टाइम है। तो इसका 30 दिन का प्रोसेसिंग टाइम हुआ है, तो आप चेक कर सकते हैं, ये मई 21, 2024 का अपडेट है और यहाँ जाके आप अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हैं जो आपको अगर फाइल नंबर मिला है। तो अब हम देखते हैं विजिटर इनसाइड कनाडा 25 डेज है, ये आप देख सकते हैं। तो ये सारा प्रोसेस ऑलमोस्ट जो है कंपल्सरी, इन्होंने बताया कि ऑनलाइन प्रोसेस है June 4, 2019 के बाद। विजिटर एक्सटेंड रिकॉर्ड 89 डेज, ठीक है जी। उसके बाद हम चेक करते हैं सुपर वीजा और इंडिया से फाइल लग रही है, Forty-seven days। अब हम चेक करते हैं स्टडी परमिट आउटसाइड कनाडा 15 वीक, तो इनसाइड कनाडा 12 वीक्स, स्टडी परमिट एक्सटेंड 44 डेज। उसके बाद हम चेक करते हैं वर्क परमिट आउटसाइड कनाडा 21 वीक्स, ये आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम चेक करते हैं वर्क परमिट इनसाइड कनाडा इनिशियल एक्सटेंड 90 दिन। उसके बाद हम चेक करते हैं सीजनल एग्रीकल्चर वर्कर 49 डेज। अब इस पे इकोनॉमिकल पे देखते हैं एटाटिका इमिग्रेशन प्रोग्राम 6 मंथ, कनाडा एक्सपीरियंस क्लास 5 मंथ, केयर गिवर की फाइल है और होम चाइल्ड केयर प्रोवाइडर है, 30 अप्रैल 2023 से पहले की लगाई हुई है, लेस दैट 24 मंथ एक्सपीरियंस, 36 मंथ एंड जो इसका प्रोसेसिंग टाइम है और एप्लीकेशन के अनुसार, और 24 मंथ एंड मोर देन लेस 26 मंथ। उसके बाद है 30 अप्रैल 2023 के बाद अप्लाई करना है और इस पे है लेस देन 12 मंथ एक्सपीरियंस, 36 मंथ और एप्लीकेशन के अनुसार, और 12 मंथ एंड मोर देन 26 मंथ। होम सपोर्ट वर्कर में हम चेक करते हैं 30 अप्रैल के बाद 2023 लेस देन 24 मंथ, 31 महीने के बाद और एप्लीकेशन के अनुसार 24 मंथ एंड मोर देन 33 मंथ। उसके बाद हम चेक करते हैं 30 अप्रैल 2023 के बाद अप्लाई करना लेस देन 12 मंथ एक्सपीरियंस। तो ये है 31 मंथ एंड वैरिड बाय एप्लीकेशन के अनुसार, और 12 मंथ एंड मोर देन 33 मंथ। उसके बाद हमने चेक करना है प्रोविंसी नॉमिनेट प्रोग्राम, यस हमने अप्लाई करा हुआ है, 6 मंथ। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर्सन फेडरल 51 मंथ, क्यूबिक क्लास बिजनेस 48 मंथ, स्किल्ड वर्कर फेडरेट 5 मंथ, स्किल्ड ट्रेड फेडरेट डाटा नहीं है, स्किल्ड क्यूबिक 9 मंथ, स्टार्टअप वीजा 37 मंथ। तो अब हम इसमें हम फैमिली स्पॉन्सरशिप का देखते हैं, स्पाउस
जो है स्पाउस ओपन वर्क परमिट इनसाइड कनाडा और क्यूबिक में है। 30-20 में हमने क्यूबिक का देखा, 27 मंथ। अब ऐसे हम चेक करते हैं आउटसाइड कनाडा, नहीं इसी में हम देखते हैं स्पाउस ओपन परमिट आउटसाइड क्यूबिक 11 मंथ। अब हम इस पे चेक करते हैं स्पाउस लिविंग आउटसाइड कनाडा और क्यूबिक में 34 मंथ और आउटसाइड क्यूबिक 13 महीने। अब इसमें हम चेक करते हैं डिपेंडेंट चाइल्ड और ईटीआर से फाइल लग रही है, ट्वेल्व मंथ, पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स इन क्यूबिक 33 मंथ, आउटसाइड क्यूबिक 20 मंथ, अडॉप्टेड एंड अनदर रिलेटिव, अडॉप्टेड चाइल्ड अनदर रिलेटिव और इंडिया से फाइल लगी, डाटा नहीं है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी का प्रोसेस टाइम, तो काफ़ी बच्चे कहते हैं कि हम अपने फाइल का स्टेटस चेक करना है, तो यहाँ से वो स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने जो भी वीज़ा लगाया विजिटर वीज़ा उसे कंटिन्यू करिए, और जो भी आपका फाइल नंबर है जो आपको दिया गया है पोर्टल में वो आप डाल सकते हैं। तो आपने ऐसे ही डिफरेंट कैटेगरीज के और भी आपके वीज़ास होंगे वो आप कर सकते हैं। अगर स्पाउस ओपन वर्क परमिट फाइल है तो आप जाके चेक कर सकते हैं, अगर केयर गिवर की फाइल है तो आप भी जाके चेक कर सकते हैं ऑनलाइन, पर आपके पास इन्फॉर्मेशन फुल होनी चाहिए। तो ये आज की जो वीडियो थी इस वीक की, जो प्रोसेसिंग टाइम की, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक जरूर करिए और सब्सक्राइब जरूर। थैंक यू सो मच।